हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रेजीट्रॉनिक्स। इस ट्यूटोरियल में हम फॉर लूप के बारे में देखेंगे। फॉर लूप क्या होता है और इसकी हेल्प से हम किस तरह से एनालॉग आउटपुट ले सकते हैं, इसके बारे में हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर लूप क्या होता है। फॉर लूप एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है जिसका यूज़ होता है फंक्शंस को बार बार रिपीट करवाने के लिए। फॉर लूप का वर्किंग समझने से पहले हमें इसका सिंटैक्स देखना पड़ेगा। फॉर लूप का सिंटैक्स रहता है फॉर, और इसके अंदर आपको तीन पैरामीटर लिखना पड़ता है। सबसे पहला पैरामीटर रहता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, सेकंड वाला पैरामीटर रहता है कंडीशन, और थर्ड वाला पैरामीटर रहता है इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर। फ्रेंड्स, फॉर लूप का एग्जांपल देखने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। मान लीजिए कि मैंने इंटीजर डेटा टाइप वेरिएबल लिया हूँ जिसका नाम है आई, और इस वेरिएबल में मैं स्टोर करवाता हूँ 1, और मैं एक और इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल लेता हूँ जिसका नाम है जे, और मैं लिखता हूँ जे इक्वल्स टू आई प्लस प्लस। यहाँ पर मैंने डबल प्लस का साइन लगाया हूँ, इसे कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और इसकी वजह से आई में जो वैल्यू स्टोर थी 1, ये वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 2, जिसकी वजह से वेरिएबल जे में जो वैल्यू स्टोर होगी वो हो जाएगी 2। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि इस ऑपरेटर को हम जिस किसी भी इंटीजर डेटा टाइप वेरिएबल के सामने में लगाते हैं, ये उस वेरिएबल की वैल्यू को 1 से बढ़ा देता है। अब ठीक इसका अपोजिट काम करता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि हम अगर डिक्रीमेंट ऑपरेटर को किसी भी इंटीजर डेटा टाइप वेरिएबल के आगे में लगाते हैं, तो ये ऑपरेटर उस वेरिएबल की वैल्यू को 1 से कम कर देता है या फिर 1 से डिक्रीमेंट कर देता है। जैसे यहाँ पर हमने i में वैल्यू स्टोर करवाए थे 2, और उसके बाद में हमने यहाँ पर लिखे j इक्वल्स टू i माइनस माइनस, मीन्स यहाँ पर हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाए हैं, जिसकी वजह से i में जो वैल्यू स्टोर थी वो डिक्रीज हो जाएगी। इस तरह से हमें i में डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाने के बाद में नई वैल्यू मिली 1। तो इस तरह से इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर काम करता है। फ्रेंड्स, अब हम फॉर लूप का वर्किंग समझने के लिए एक एग्जांपल देखेंगे, और इस एग्जांपल की हेल्प से आपको फॉर लूप का वर्किंग आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि मैंने आर्डुइनो की पिन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, इन टोटल 5 पिन से एक एक एलईडी कनेक्ट किया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हर 1 सेकेंड के लिए एक एलईडी ब्लिंक हो। और अगर मैं इन एलईडी को ब्लिंक करवाने के लिए नॉर्मल प्रोग्रामिंग का यूज़ करूँ तो मुझे बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं इसी प्रोग्राम को फॉर लूप की हेल्प से लिखना चाहूँ तो मुझे बहुत छोटा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा जिसमें मुझे आसानी होगी। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले एक इंटीजर डेटा टाइप वेरिएबल ले लूँगा जो कि रहेगा आई, और मैं फॉर लूप के अंदर लिखूँगा फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन और इक्वल्स टू 5, आई प्लस प्लस, और इसके अंदर में मैं इंस्ट्रक्शंस लिखूँगा डिजिटल राइट आई हाई, और इसके नीचे मैं लिखूँगा डिले 1000। तो फॉर लूप कुछ इस तरह से काम करेगा। यहाँ पर मैंने सबसे पहले आई इक्वल्स टू 1 लिखा, जिससे कि मैंने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया हूँ। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आई में जो वैल्यू स्टोर है वो है 1, और जब इसकी कंडीशन चेक होगी तो यहाँ पर मैंने कंडीशन में लिखा हूँ आई लेस देन और इक्वल्स टू 5, और आई में जो वैल्यू स्टोर है वो है 1, तो 1 लेस देन 5 ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जिसके वजह से फॉर लूप के अंदर में मैंने जो इंस्ट्रक्शंस लिखा हूँ ये एग्जीक्यूट हो जाएगी 1 सेकेंड के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा हूँ डिले 1000। अब क्योंकि मैंने डिजिटल राइट के अंदर भी एक वेरिएबल लिखा हूँ और ये वेरिएबल है आई, तो आई में अभी वैल्यू स्टोर है 1, जिसकी वजह से ये हो जाएगा डिजिटल राइट 1 हाई, जिससे कि पिन नंबर 1 से हाई आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब कि पिन नंबर 1 से जो एलईडी कनेक्ट है वो एलईडी ऑन हो जाएगा, और जब 1 सेकेंड के बाद में इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कम्प्लीट हो जाएगा तब यहाँ पर मैंने जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिखा हूँ आई प्लस प्लस, इसके वजह से आई में जो वैल्यू स्टोर थी वो इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज होने के बाद में अब आई में जो वैल्यू स्टोर है वो हो जाएगी 2। तो अब आई में वैल्यू 2 स्टोर होगी। अब इसके लिए फॉर लूप का एग्जीक्यूशन होगा, तो अब आई इक्वल्स टू 2 के लिए कंडीशन चेक होगी आई लेस देन और इक्वल्स टू 5, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और कंडीशन ट्रू होने के बाद में फॉर लूप के अंदर में जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए वो एग्जीक्यूट होंगे 1 सेकेंड के लिए, और क्योंकि अब यहाँ पर आई में वैल्यू स्टोर है 2, जिसकी वजह से यहाँ पर हो जाएगा डिजिटल राइट 2 हाई, जिससे कि पिन नंबर 2 से जो एलईडी कनेक्ट है वो ऑन हो जाएगा।
अब ठीक इसी तरह से i इक्वल्स टू 3 के लिए भी ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा और पिन नंबर 3 से जो LED कनेक्ट है वो ऑन होगा, और इसी तरह से i इक्वल्स टू 4 के लिए भी ये लूप एग्जीक्यूट होगा और पिन नंबर 4 से जो LED कनेक्ट है वो ऑन हो जाएगा। लेकिन जब i में 5 वैल्यू स्टोर होगी तब यहाँ पर हमने जो कंडीशन लिखे है i लेस देन और इक्वल्स टू 5, तो 5 इज इक्वल्स टू 5 ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जिसके वजह से फॉर लूप के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट होंगे 1 सेकेंड के लिए, और 1 सेकेंड के लिए पिन नंबर 5 से जो LED कनेक्ट है वो हाई हो जाएगा, और 1 सेकेंड के बाद में इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से i में जो वैल्यू स्टोर है वो इंक्रीज हो जाएगी और i में जो नई वैल्यू स्टोर होगी वो हो जाएगी 6। लेकिन जब इसके लिए कंडीशन चेक होंगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 6 लेस देन और इक्वल्स टू 5 ये कंडीशन ट्रू नहीं हो सकती, तो अब इसके लिए फॉर लूप का एग्जीक्यूशन नहीं होगा। अब क्योंकि हमने फॉर लूप को वॉइड लूप के अंदर लिखे हैं, जिसके वजह से आर्डुइनो की पिन नंबर 1 से लेके 5 तक जो LED कनेक्ट है वो हर 1 सेकेंड के लिए ऑन होगा और ऑफ हो जाएगा, और फॉर लूप का एग्जीक्यूशन चलते रहेगा। तो इस तरह से फॉर लूप काम करता है, और ठीक इसी तरह से हम फॉर लूप का यूज़ करके आर्डुइनो की PWM पिन से एनालॉग आउटपुट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप आर्डुइनो की प्रोग्रामिंग को बेसिक से सीखना चाहते हैं और आर्डुइनो के प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।